इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर द कॉन्स्टेंट्स देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इज तो बच्चों इसमें देखिए वेलोसिटी आपको गिवन है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर आपको यहां पे डिस्टेंस बतानी है बच्चों क्या बतानी है डिस्टेंस ठीक है एस से लिख दें एस हमको बताना है कहां से कहां तक तो फ्रॉम टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स कैसे बताएंगे बच्चों इसको जरा ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी गिवन है मींस आपको वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन पता होना चाहिए तो v बराबर क्या होता है ds अपॉन dt इट मींस बच्चों ds बराबर हम v dt भी लिख सकते हैं तो ds बराबर क्या जाएगा डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी तो वेलोसिटी को वैल्यू पुट कर दो क्या है at plus bt स्क्वायर इनटू dt ये लिखा जा सकता है बिल्कुल लिखा जा सकता है अब हमको डिस्टेंस चाहिए तो सो लिखेंगे यहां पे सो डिस्टेंस फ्रॉम टी इक्वल टू 1 टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स तो कितना आएगा डिस्प्लेस डिस्टेंस टोटल एस लिख देते हैं तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक 1 से 2 तक 1 से 2 का चाहिए ना डिस्टेंस उसको इंटीग्रेट कर दो और साथ में क्या आएगा ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा 1 से 2 ए टी डी टी प्लस 1 से 2 बी टी स्क्वायर डी टी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों ए कॉन्स्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लें यहाँ पे बच्चों बी कॉन्स्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे अब हमें इंटीग्रेशन करना है टी का और हमें इंटीग्रेशन करना है टी स्क्वायर का कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों आपको यहां पे टी की पावर एन का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए क्या होता था मैं फिर लिख देता हूं तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी टी की पावर एन का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो क्या होता था टी की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 मतलब जो पावर होती उसमें एक जुड़ जाता है अपान में जो जुड़ने के बाद पावर आई वही आ जाती डिवाइड में प्लस सी भी आता है अगर वो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है तो बट यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल यहां वैल्यू दिया यहां से यहां तक तो यहां पे प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ेगी यानी कि बच्चों एस बराबर क्या आएगा आप सोचिए ए तो कॉन्स्टेंट है टी की पावर क्या है 1 और इंटीग्रेशन क्या कहता है जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए इंटीग्रेशन करने के लिए तो जब टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा टी की पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो टी की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा और जो पावर बनी यानी कि 2 पावर हो गई तो 2 ही डिवाइड में आ जाएगा कहां से कहां तक 1 से 2 तक प्लस बी टी स्क्वायर अब देखिए टी स्क्वायर में भी वही सेम चीज होगी टी स्क्वायर तो कितनी पावर है टी की 2 जब टी की पावर 2 है तो इंटीग्रेशन क्या कहता है पावर में 1 जोड़ देना है तो टी की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 अपान में 3 कहां से कहां तक 1 से 2 तक इसको 1 प्लस 1 को 2 लिख दें बहुत बढ़िया बच्चों इतना आप लोग सीख गए अब सोचिए अब तरीका यह होता है बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो पहले टी की जगह 2 रख देंगे तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस तो बच्चों लोअर में कौन सी वैल्यू है 1 तो 1 को टी की जगह रखेंगे तो क्या आएगा 1 स्क्वायर अपान में 2 प्लस ऐसे ही बी के साथ देखो क्या आएगा बच्चों यहां पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब अपान में 3 थोड़ा सॉल्व कीजिए तो एस बराबर क्या आएगा यहां देखिए 4 माइनस 1 यानी कि 3 बाई 2 ए यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 और माइनस 1 की पावर 3 1 ही रहेगा 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 तो 7 बाई 3 बी प्लस 7 बाई 3 बी सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी 3 बाई 2 ए एंड 7 बाई 3 बी
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लीजिए प्यार से। ओके बच्चों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखते रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू बच्चों।